एक छोटा सा बच्चा रोहन था। वो बहुत ही जिद्दी था। जब भी उसके माता पिता राजेश और अनिता उसे कुछ करने के लिए कहते तो वो रोने लगता और जिद करने लगता। एक दिन रोहन के पास एक नया पड़ोसी आया। वो भाई बहन के साथ खेल रहा था और हंस रहा था। रोहन ने उसे देखा और सोचा, ये कैसे हो सकता है, उसके पास तो मेरी तरह खेलने के लिए भी कुछ नहीं है। रोहन की जिद देखकर राजेश और अनिता परेशान हो गए। वे जानने के लिए पड़ोसी से मिले और पूछा, क्या तुमने हमारे रोहन को खुद के खेल के लिए कुछ दिया है? पड़ोसी हंसते हुए बोले, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं दिया, वह अपने दिमाग में खुद के खेल बना सकता है। राजेश और अनिता हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि शायद रोहन की जिद इसलिए है क्योंकि उसे स्वतंत्रता की जरूरत थी। उन्होंने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने रोहन को खेलने के लिए खुद के वस्त्र बनाने की इजाजत देने के बारे में सोचे। अगले दिन राजेश और अनिता ने रोहन को एक विशेष गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में एक सुंदर बुने हुए रंगीन धागे और कपड़े थे। रोहन को उनका गिफ्ट देखते ही हैरान रह गया। उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब उसे खुद के खेल बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। रोहन ने धागों को लिया और अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्त्र बनाना शुरू किया। जब उसके खेल को देखकर राजेश और अनिता हंसते हुए बोले, अरे भा रोहन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारी जिद के पीछे एक महान कला का छिपा हुआ है। रोहन को बहुत खुशी हुई और उसने खुद को विश्वास करने का महत्व समझा। उसकी जिद गायब हो गई और उसने अपने माता पिता की बात मान ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिद को सकारात्मक ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए और अपने प्रतिभा को खुद में खोजना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।